नमस्कार दोस्तों, नमस्कार प्यारे साथियों, मैं संदीप कुमार वर्मा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं बाज क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। आशा है दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सकुशल होंगे और आप सभी की दिल्ली पुलिस की बेहतरीन तैयारी चल रही होगी। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं नोटपैड और वर्डपैड की, अर्थात आज हम बाज क्लासेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आए हैं इस क्लास में एक नया टॉपिक, जिसका जो अपना टाइटल है वो है नोटपैड और वर्डपैड। अर्थात साथियों, अभी तक की कंप्यूटर की जो भी क्लासें हुई थी उन क्लासों में हमने केवल कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंप्यूटर किस प्रणाली पे कार्य करता है, कंप्यूटर बना कैसे है, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सब पीछे की क्लासों में हमने जाना है। लेकिन आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर। गत क्लास में साथियों हमने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पढ़ी थी, जिसके बारे में सामान्य जानकारी आपको दी गई थी, लेकिन आज हम उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम सबसे पहले प्रोग्राम पढ़ेंगे साथियों नोटपैड और वर्डपैड। तो देखिए साथियों, टास्क बार जो अपना डेस्कटॉप बताया गया था आपको, उसपे यहां आपको एक पट्टी दिखाई गई थी टास्क बार के रूप में। वहां स्टार्ट बटन के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट बटन प्रोग्राम को स्टार्ट करने का या पावर को मैनेज करने का काम करता है। उससे आगे की तरफ हम प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं, तो आज हम नोटपैड की शुरुआत करेंगे। तो देखिए साथियों, नोटपैड क्या होता है, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और क्या पूछा जा सकता है, हम बात करेंगे नोटपैड की। ये देखिए साथियों, एक प्रोग्राम है नोटपैड। ये नोटपैड क्या होता है देखो दोस्तों, नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट लिखने का साधारण प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के एसेसरीज ग्रुप में पाया जाता है। अर्थात दोस्तों, कंप्यूटर एक अनेक पर्पज के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन है, उसके अंदर एक प्रोग्राम दिया गया है नोटपैड, जिसका प्रयोग हम एक साधारण टेक्स्ट लिखने के लिए कर सकते हैं। अर्थात ये एक साधारण टेक्स्ट लिखने का। अब टेक्स्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि कंप्यूटर के अंदर जो आप कुछ भी लिखते हो, तो इस भाषा शैली में उसको टेक्स्ट कहा जाता है। साधारण टेक्स्ट लिखने का साधारण प्रोग्राम है, साधारण प्रोग्राम है जो एसेसरीज ग्रुप में पाया जाता है। इस प्रोग्राम में कोई डिजाइन का कार्य नहीं किया जा सकता, कोई डिजाइन का कार्य नहीं किया जा सकता है, डिजाइन का कार्य नहीं कर सकते, केवल और केवल टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे साथियों, आपका कोई टेक्स्ट है, आप उसको काम में ले रहे हैं नोटपैड में, तो केवल उसको आप इस तरीके से सिंपल लिख सकते हैं। इसमें आप यदि कोई डिजाइन देना चाहें तो वो डिजाइन नहीं दे सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि एक साधारण टेक्स्ट लिखने का साधारण प्रोग्राम है, जिसका प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। नोटपैड का प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। देखिए साथियों, जो अपने ब्राउजर के जो वेब पेज होते हैं या वेबसाइट के जो पेज होते हैं, उसको लिखने के लिए, उस पेज को बनाने के लिए नोटपैड प्रोग्राम को काम में लिया जाता है। इसके बीच देखिए दोस्तों कि इस नोटपैड प्रोग्राम के अंदर एक भाषा आती है अपनी HTML, उसको इसमें कोडिंग के रूप में लिखा जाता है, फिर वेब पेज बनाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि HTML भाषा को समझने के लिए नोटपैड प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, नोटपैड का प्रयोग किया जाता है। अब इससे तीन चार चीजें निकल के आई हैं दोस्तों कि नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट लिखने का साधारण प्रोग्राम है,
नोटपैड का प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है, और वेब पेज बनाने के लिए एक भाषा आती है HTML, उस HTML भाषा को नोटपैड में लिखा जाता है, तब जाके वेब पेज तैयार होते हैं। तो ये नोटपैड थी। अब इसके बाद दोस्तों ध्यान से सुनना, कुछ एक चीजें आती हैं जो प्रत्येक प्रोग्राम की आएंगी। तीन ऐसी चीजें हैं जो प्रत्येक प्रोग्राम की आएंगी, नोटपैड की भी आएंगी, वर्डपैड की भी आएंगी, आगे आप एमएस ऑफिस के लिए एमएस वर्ड पढ़ेंगे उसके लिए भी आएंगी, एक्सेल पावर पॉइंट सभी के लिए आएंगी। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर हम उन तीनों चीजों को क्लियर कर लेंगे ताकि आगे हमें वो समस्या ना आए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये तीन चीजें प्रत्येक प्रोग्राम के आने वाली हैं। एक आएगा फाइल नेम, क्या आएगा फाइल नेम। एक होता है साथियों एक्सटेंशन नेम, क्या होता है एक्सटेंशन नेम। और इसी के साथ एक होता है साथियों रन कोड, क्या होता है रन कोड। रन कोड के बारे में डेस्कटॉप स्क्रीन पे भी मैंने आपको बताया था कि किसी प्रोग्राम को चलाने वाला एक कोड होता है रन कोड। तीनों के बारे में समझने का प्रयास करना। फाइल नेम, जब भी किसी प्रोग्राम में कोई फाइल बनाई जाती है तो वो फाइल किसी ना किसी नाम से सेव की जाती है। मान लो आपने पेंटिंग में या फिर नोटपैड में कोई फाइल बनाई, अब उस फाइल को जब आप सेव करेंगे तो आप उस फाइल को क्या देंगे, नाम देंगे। देखना, जैसे मान लो आपने नोटपैड में कोई फाइल बनाई और उस फाइल को आपने एक नाम दे दिया है, तो दोस्तों अब ये फाइल का नेम नहीं है, ये यूजर का नाम है। किसका नाम है, यूजर का नाम। किसी यूजर ने कोई फाइल बनाई और उसको नाम दे दिया तो ये यूजर नेम हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, यदि आप कोई फाइल बनाते हैं और उसे कोई नाम नहीं देते हैं तो भी वो फाइल सेव होती है, लेकिन वो फाइल फिर उस प्रोग्राम के अनुसार सेव होती है। तो ऐसे ही देखिए दोस्तों, नोटपैड में बनाई गई फाइल नोटपैड के नाम से ही जानी जाती है। अर्थात आपने नोटपैड में कोई फाइल बनाई और उसको आपने कोई नाम नहीं दिया तो वो फाइल नोटपैड के नाम से सेव हो जाएगी। ऐसे ही आता है एक्सटेंशन नेम। अभी एक्सटेंशन नेम क्या है देखना। देखिए दोस्तों, कोई एक फाइल है, मान लो आपने नोटपैड में एक फाइल बनाई और उस फाइल को आपने नाम दिया राहुल, उस फाइल को आपने नाम दिया राहुल। अब इस फाइल को आपने केवल राहुल नाम देके और सेव कर दिया। जब ये सेव हो जाएगी तो इसके बाद देखना दोस्तों, इस नाम के साथ एक कोड लगता है इस प्रकार से। ये कोड आपको लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये स्वतः ही लग जाता है प्रोग्राम के अनुसार। तो ये लगा हुआ ये जो कोड है ये एक्सटेंशन नेम कहलाता है फाइल का। क्या कहलाता है, एक्सटेंशन नेम। अब हम कह सकते हैं कि एक्सटेंशन नेम किसी फाइल के नेम के अंत में लगने वाला एक कोड है जो ये बताता है कि ये फाइल कौन से प्रोग्राम में बनाई गई है। देखो, आप नोटपैड में कोई फाइल बनाएंगे, आपने केवल राहुल नाम दिया और सेव कर दिया, अब उसके बाद स्वतः ही TXT लग गया। तो किसी भी नेम के साथ यदि कोड के रूप में TXT लगा हुआ आ जाए तो हम क्या समझेंगे कि वो फाइल कौन से प्रोग्राम में बनाई गई है, नोटपैड प्रोग्राम में बनाई गई है। इसलिए कहा गया है साथियों कि एक्सटेंशन नेम किसी फाइल के अंत में लगने वाला एक कोड होता है जो उस प्रोग्राम को परिभाषित करता है जिस प्रोग्राम में वो फाइल बनाई गई हो। कई बार आपने देखा होगा आप किसी फाइल को PDF में कन्वर्ट करते हैं। अब आपने उस फाइल को जब PDF में कन्वर्ट किया तो कोई नाम दिया होगा। आपने जैसे कोई फाइल थी उसको PDF में कन्वर्ट किया, आपने उसको नाम दे दिया ABC, क्या दे दिया ABC। ये देने के बाद आप देखेंगे कि जब उस फाइल का नाम देखेंगे तो उसके साथ एक शब्द लिखा था PDF। ये PDF आपने नहीं लगाया, ये स्वतः ही लग गया है। इसलिए ये कहा गया है कि ये एक्सटेंशन नेम होता है। तो उम्मीद है कि एक्सटेंशन नेम समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही प्रत्येक प्रोग्राम के नेम एक्सटेंशन अलग अलग होते हैं, जो हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्सटेंशन नेम होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नोटपैड की। नोटपैड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम .txt होता है, .txt होता है।
एवं इसका रन कोड नोटपैड ही होता है। इसका रन कोड क्या होता है? नोटपैड ही होता है। अब यहां से बहुत बाहर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं साथियों कि नोटपैड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .txt। नोटपैड में बनाई गई फाइल किस नाम से जानी जाती है? नोटपैड के नाम से। एवं इसका रन कोड क्या होता है? नोटपैड होता है। तो ये तीनों चीजें अपने को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है दोस्तों, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नोटपैड के बारे में और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नोटपैड क्या है, तो हम कह सकते हैं कि नोटपैड एक ऐसे सीरीज ग्रुप का साधारण टेक्स्ट लिखने का साधारण प्रोग्राम है जिसमें डिजाइन का कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वेब पेज बनाने के लिए कौन से प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, नोटपैड का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात नोटपैड का प्रयोग वेबसाइट या वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए, HTML भाषा को समझने के लिए कौन से प्रोग्राम को काम में लिया जाता है, नोटपैड को काम में लिया जाता है, अर्थात ये वेब पेज बनाने की एक भाषा है। इस तरीके से अपना एक छोटा सा साधारण प्रोग्राम था नोटपैड। जस्ट इसके आगे एक दूसरा प्रोग्राम है अपना वर्डपैड, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अभी एक बार मैं आपको नोटपैड का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, इस तरीके के एक साधारण प्रोग्राम आता है नोटपैड, जिसके अंदर केवल और केवल हम टेक्स्ट लिख सकते हैं साधारण इस तरीके से। इसमें हम डिजाइन का कोई कार्य नहीं कर सके। यहां दे रखा है कि दिस इज द सम सिंपल टेक्स्ट इनसाइड इन नोटपैड विंडो। इस नोटपैड की विंडो जो दिख रही है, इसके अंदर हम केवल सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं, डिजाइन का कोई कार्य नहीं कर सकते। यहां अपने को डिजाइन के लिए कोई विकल्प नहीं दिए गए हैं। ये नोटपैड था। जस्ट आगे इसी के बाद हम दूसरे प्रोग्राम की बात करते हैं, वर्डपैड की। अब हमारे सामने ये वर्डपैड खुला हुआ है। अब वर्डपैड के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। वर्डपैड, वर्डपैड नोटपैड से कुछ अधिक विशेषता रखने वाला प्रोग्राम है वर्डपैड। अर्थात नोटपैड से कुछ अधिक विशेषता रखने वाला प्रोग्राम कौन सा है? वर्डपैड है। अर्थात यहां आप देखेंगे दोस्तों, इसका इंटरफेस वर्डपैड का, हमारे सामने ये वर्डपैड खुला हुआ है। और इससे पहले आपने नोटपैड का इंटरफेस देखा था, वहां केवल आपको सिंपल टेक्स्ट लिखने की कंडीशन उपलब्ध करवाई गई थी, लेकिन यहां साथियों कुछ डिजाइन का कार्य किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्डपैड नोटपैड से कुछ अधिक विशेषता रखने वाला एक साधारण टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर केवल कुछ डिजाइन का कार्य किया जा सकता है वर्डपैड में। किसके बजाय? नोटपैड की बजाय कुछ डिजाइन का कार्य किया जा सकता है, ज्यादा नहीं किया जा सकता। वो फीचर इसमें दिखाई दिए गए हैं। वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। टेक्स्ट एडिटिंग, इसमें कुछ डिजाइन का कार्य किया जा सकता है, कुछ डिजाइन का कार्य किया जा सकता है। और जिस तरीके से अभी गत पीछे हमने वर्ड नोटपैड पढ़ा है, तो नोटपैड की जो तीन चीजें हमने पढ़ी थी, वैसे ही वर्डपैड की भी तीन चीजें हमारे पास आएंगी, फाइल नेम, एक्सटेंशन नेम और रन कोड। तो देखिए, जो वर्डपैड है इसमें बनाई गई फाइल, यहां देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। यहां इसके टाइटल में आप देखेंगे 11 वर्डपैड, अर्थात ये फाइल नेम है। तो वर्डपैड में जो बनाई गई फाइल होती है वो वर्डपैड के नाम से जानी जाती है। और यहां देखेंगे नोटपैड, नोटपैड में बनाई गई फाइल नोटपैड के नाम से जानी जाती है। तो ऐसे ही वर्डपैड में बनाई गई फाइल वर्डपैड के नाम से ही जानी जाती है। एवं इसमें बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन
एक्सटेंशन नेम डॉट RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, वह इसका रन कोड राइट होता है। क्या होता है? राइट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि वर्डपैड में बनाई गई फाइल किस नाम से जानी जाती है, वर्डपैड के नाम से जानी जाती है, एवं वर्डपैड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम डॉट RTF होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ऐसे ही इसका रन कोड क्या होता है? राइट होता है। तो साथियों इसी प्रकार से हम MS Word, MS Excel, MS PowerPoint के भी फाइल नेम, एक्सटेंशन नेम, कोड वगैरह हम पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको वर्डपैड और नोटपैड के फाइल नेम, रन कोड, एक्सटेंशन नेम समझ में आ गए होंगे और ये दोनों प्रोग्राम क्या काम करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं आप लोगों को ये एक्सटेंशन नेम वगैरह दिखाने वाला हूं। से आगे हम बात करें दोस्तों कि एक और प्रोग्राम अपने पास आता है, पेंटिंग। क्या आता है? पेंट। अर्थात पेंटिंग एक प्रोग्राम है जिसका प्रयोग चित्र संपादित करने के लिए किया जाता है। चित्रात्मक कार्य करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही पेंटिंग में जो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .png और इसका जो रन कोड होता है वो पेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और पेंटिंग में हम एक फाइल को BMP, PDF, JPG, GIF, JPEG आदि फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से साथियों साधारण टेक्स्ट प्रोग्राम थे। अभी आप लोगों को मैं एक्सटेंशन नेम वगैरह के बारे में दिखा देता हूं कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है, प्रैक्टिकली अपने को समझ में आ जाएगा। अब देखना साथियों यहां नोटपैड अर्थात नोटपैड फाइल, अब देखना दोस्तों यहां पे हम कोई एक फाइल देखते हैं, इसमें कोई फाइल सेव की गई होगी। ये देखो ये साधारण टेक्स्ट लिखने का काम किया है इसने, और जब इस फाइल को हम सेव करेंगे किसी भी नाम, कोई भी नाम देके, तो ये फाइल जब सेव होगी हमारे पास तो एक्सटेंशन नेम आएगा उसका। क्या आएगा? एक्सटेंशन नेम आएगा फाइल का, और वो फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होगा हमारे पास वो इस तरीके से आएगा। उस फाइल को आप सेव करेंगे नोटपैड ऐसे, जैसे आपने लिखा यहां पे अब ये फाइल को नाम दिया हमने और अंत में सवते ही यहां लग गया txt, बस ये एक्सटेंशन नेम होते हैं। ऐसे ही आप वर्डपैड में करेंगे तो यहां आपने जैसे कोई वर्डपैड कोई फाइल है और उसको आप नाम दे रहे हो वर्डपैड, उसमें सवते ही क्या लग जाएगा? RTF। ऐसे ही दोस्तों जैसे मान लो आपने पेंटिंग में कोई फाइल बनाई और उस फाइल उसमें आपने नाम दिया तो उसमें लग जाएगा अपने पास .png। ऐसे ही ये प्रत्येक प्रोग्राम के अलग अलग आएंगे और यहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसी के साथ साथियों आज की क्लास में इतना ही था। केवल हमने छोटे छोटे प्रोग्राम पढ़े हैं और इनसे हमने ये जाना है कि एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं, फाइल नेम क्या होते हैं, रन कोड क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों जो अपना मेन टॉपिक जो दिया गया था दिल्ली पुलिस के लिए MS Office, हम MS Office के बारे में परिचर्चा करते हुए MS Word की शुरुआत करेंगे और MS Word में एक एक टैब, एक एक मेन्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है साथियों, अगली क्लास में हम जल्दी ही मिलते हैं। और यदि साथियों आप चैनल पर नए बने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नई क्लास के अपडेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।